आले वर्षी बघू आपण। उद्योग मंत्री मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतायत, 50-55 जणांचा ताफा घेऊन गेल्या सरकारी पैशानं, बरं का? कोणाची गरज आहे कोणाची गरज नाही, पण एक पिकनिक सहल काढलेली आहे परदेशात सरकारी पैशानं। पी ए ओएसडी आजी माजी खासदार, तिजोरीची लूट आहे, तिजोरीची लूट आहे। तिथे गौतम अडाणी भेटणार आहेत, गौतम अडाणी इथे भेटू शकतात हो, असं मी आज वाचलं। पण डाओसला ज्या प्रकारे हा इतका मोठा लवाजमा घेऊन राज्याचे मुख्यमंत्री गेले आहेत, जा, पण मुंबईतून जो रोजगार मुंबईतून गुजरातला गेलाय तो आधी इथे घेऊन या, मग डाओस वरून आणा। मुंबईतून महाराष्ट्रातून जो रोजगार, जे उद्योग, जे इंटरनॅशनल फायनान्स सेंटर, बरं का, जे डायमंड मार्केट, वेदांत फॉक्सकॉन, असे अनेक अनेक प्रकल्प जे मुंबईतून गुजरातला गेले, त्यासाठी आधी गुजरातला जा आणि मग डाओसला जा। आधी गुजरातला जा, गुजरातवरून ते प्रकल्प परत महाराष्ट्रात आणा गुंतवणूक, आणि मग डाओसला जा। आम्ही तुमचा खर्च करू डाओसला जाण्याचा, तुमचा जो लवाजमा आहे ना त्याचा खर्च जनता वर्गणीतून आम्ही करू, पण आधी गुजरातला जे आमचा उद्योग नेलेला आहे पळवून तो आणा। आज एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई है, उसके बीजेपी कहती है कि ये बालिश पत्रकार परिषद है। क्या है? आज एक पत्रकार, क्या बोला बोलो? बालिश पत्रकार, बालिश उद्धव ठाकरे का ये बालिश बना है जो पत्रकार परिषद। नरेंद्र मोदी जी को बोलो एक पत्रकार परिषद लेने की हिम्मत दिखाइए, 10 साल में उनके नेता एक पत्रकार परिषद नहीं ले सकते, हिम्मत है? क्यों नहीं लेते, भाग क्यों जाते हो? 10 साल में जो प्रधानमंत्री पत्रकारों का जनता का सामना नहीं कर पाते, उनके चेले चपाटे हमको बोलते हैं, आज की पत्रकार परिषद जनता का खुला मंच है, पत्रकारों का खुला मंच है। हम बहुत ही हिम्मत से आज पत्रकारों के सामने जाकर जो बात है, जिस तरह से निर्णय दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने, उस बारे में हम उनका पोल खोल करेंगे। आइए ना, बालिश क्या है? जो मोदी जी कर रहे हैं, जो आप लोग कर रहे हो, क्या है वो? क्या बचपना है? आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है, आप कानून को मानते नहीं, इलेक्शन कमीशन से लेकर गवर्नर तक सभी घटनात्मक संस्थाओं को आपने खिलौना बनाकर रखा है। आपको क्या नैतिक अधिकार है ये बात करने का? जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी 10 साल में एक पत्रकार परिषद नहीं ले सकते, उनके महाराष्ट्र के चेले हमसे सवाल पूछते हैं कि आप पत्रकार परिषद क्यों लेते हो? बाला उद्धव जी, हम इसलिए लेते हैं जनता के सवालों का सामना करने की हिम्मत हमारे में है, और हम सच का सामना करेंगे और सच बोलेंगे। क्या राम मंदिर में फिर से विवाद शुरू हो गया? पहले शिखर का विरोध हो रहा था, शिखर नहीं उसका विवाद चालू था, अब राम मूर्ति का विवाद चालू हो गया। जो शंकराचार्य कह रहे कम से कम 4 दिन अनुष्ठान के लिए चाहिए, और मोदी जी कह रहे एक दिन में। अभी मोदी जी शंकराचार्य बन गए हैं, तो अभी चार पीठों के 4 शंकराचार्य है, एक नया पीठ बन गया है बीजेपी पीठ। अब उसके शंकराचार्य मोदी जी है, जो मोदी कहेगा वही होगा। ना मूर्ति देखेंगे, ना शास्त्र देखेंगे, ना शिखर देखेंगे, ना कुछ देखेंगे, जो मोदी जी कहेंगे चुनाव से पहले वो वही होगा। आप तो 4 शंकराचार्य बात कर रहे हैं, देश सुन रहा है। कौन पूछता है हिंदुत्व, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानने वाले लोग शंकराचार्य की बात मानने को तैयार नहीं? राम खासकर मंदिर के मामले में, उनकी मंदिर के मामले में तो बात सुनिए,